वर्षों का अगर आप उठा के देखो तो हमारे साथ यही हुआ है, हमारे इतिहास को दबाया गया, हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, गलत तरीके से लोगों में बताया गया, अलग अलग तरह की गफलतें फैलाई गई और उससे हमारी संस्कृति को बर्बाद करा गया, इतिहास को बर्बाद करा गया और इसीलिए हमारा भूगोल बदल गया। और भूगोल कैसे बदला कि आहिरवाल का एक हिस्सा तो दिल्ली के पास है, एक हिस्सा हरियाणा के पास है, एक हिस्सा राजस्थान के पास है। आप कभी दिल्ली वाले हो जाते हो, कभी राजस्थान के हो जाते हो, आप कभी हरियाणा के हो जाते हो, कभी वेस्टर्न यूपी के हो जाते हो, लेकिन आप लोग अभी तक अहिरवाल के नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि पीटी दर पीटी इतिहास को भुलाया गया, तोड़ा गया, इसलिए हमारा भूगोल बदलता चला गया। इतिहास की बात चल रही है, मैं आप लोग को एक छोटा सा इतिहास महाराजा राव तुलाराम जी से रिलेटेड बता देता हूँ। भाई इनके जंग के जो इनके जंग का जो इतिहास था वो तो सबने पढ़ा है, लेकिन इनका जो पर्सनल इतिहास रहा है, इनका जो पारिवारिक इतिहास रहा है कि भाई महाराजा राव तुलाराम की शादी कहाँ हुई, उनकी जो धर्मपत्नी थी वो कहाँ से आती थी, उनके बेटे का उस युद्ध के दौरान क्या रहा, इस बारे में मैं एक थोड़ी सी इस इतिहास के ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा कि महाराजा राव तुलाराम की शादी बिहारी गांव के गादोदिया परिवार की पुत्री से हुई थी और उन्हीं के पुत्र थे राजा राव युधिष्ठिर सिंह जी, जो कि हमारे भांजे थे। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उसी परिवार से आता हूं जिस परिवार ने नसीबपुर युद्ध के दौरान 2 महीने के राव युधिष्ठिर सिंह जी का संरक्षण बिहारी के हवेलियों में कराया, और जो बाई जी थी वो हमारे पास थी, बिहारी में रहा करती थी। जो महाराजा राव तुलाराम जी की माता जी थी वो पालावास में उन्होंने शरण ले रखी थी। अंग्रेजों ने पालावास और बिहारी के ऊपर बार बार छापे मारे, बार बार लोगों का कत्लेआम करा, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लोगों ने राव युधिष्ठिर सिंह जी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं करने दिया। और उसी की के आगे चल के आज आप देख रहे हो राव परिवार की कितनी प्रतिष्ठा है पूरे अहिरवाल के अंदर, पूरे देश के अंदर। अगर राव युधिष्ठिर सिंह जी को उस समय खत्म कर दिया जाता तो रामपुरा हाउस आज होता नहीं। अभी हम आप हाल ही में 18 नवंबर को जब हम रेजांगला शौर्य दिवस मना रहे थे तो सामने हमने देखा कि एनएसएस के जुझारू कार्यकर्ता जो वहां पर जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी छत्रियां हैं, उन पर साफ सफाई कर रहे हैं। जब हम वहां गए तो हमने देखा इन्होंने एक राव बाल किशन जी का मानचित्र लगाया हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि वो कल्पनात्मक चित्र हमारे भाई अबन राव जी का मुंडिया खेड़ा ने बनाया था। और पिछले वर्ष की 24 फरवरी 2023 को ही हमने उसका अनावरण कराया था। उसके अनावरण में मात्र 20 लोग मौजूद थे, लेकिन हमने सोशल मीडिया पर उसको इतना चढ़ाया कि सर तक वो फोटो पहुंची और इन्होंने वो यूज करनी शुरू कर दी। तो इस चीज से हमको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं आगे बड़ा रूप लेंगे और वो रंग दिखाना शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रेजांगला स्मारक के जस्ट सामने और उन क्षत्रियों के सामने लोगों ने कचरा डालना शुरू कर दिया। वो पहले वहां पर सिर्फ 2 डस्टबिन रखे रहते थे, लेकिन अब वो डस्टबिन गायब हो गए और वहां पर लोग सड़क पर ही कचरा फेंक के जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई एक ज्ञापन हम भी डीसी साहब को और नगर परिषद को देंगे कि ऐसे लोगों पर जो हमारे ऐतिहासिक धरोहरों पर कचरा फेंके, जो शहीदों का वहां पर शहीद स्मारक के सामने कचरा फेंकना मतलब शहीदों का अपमान है, जो शहीदों का अपमान करे उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। थोड़े समय के लिए पुलिस वाले को खड़ा करके उनके ऊपर चाहे तो डंडे बरसाओ, क्योंकि लोग मानते नहीं है बड़ी आसानी से जब तक उनको उनकी पिटाई नहीं होगी। इसी के साथ मैं एक बस एक छोटी सी लाइन आप लोगों के सामने बोल के समाप्त करना चाहूंगा
क्योंकि भाई हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमसे कहते हैं कि भाई तुम कहते हो कि तुम्हारे रेवाड़ी के अंदर राजवंश है, तुम भी राजशाही रहे हो, लेकिन तुम्हारा दूसरों के जैसा इतिहास क्यों नहीं है, दूसरों की तरह तुम्हारे बड़े महल क्यों नहीं है, बड़ी हवेलियां क्यों नहीं है। अब उनको कौन बताए कि भाई उन लोगों ने तो समझौते कर लिए इसलिए उनके महल हवेलियां है, हमने नहीं करे। इसी के लिए मैं बस केवल दो लाइन में पूरा एक इसके बारे में बताऊंगा कि कुछ लोगों ने टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, कुछ लोगों ने टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। अंग्रेजों के समय हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। और दादा किशन की जय, दादा किशन की जय, राम तुलाराम अमर रहे, राम तुलाराम अमर रहे। इसी के साथ भाई 9 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है हमारे अहिरवाल के लिए। छोटी सी बात माफी चाहूंगा साहब, बताना भूल गया था कि सिर्फ राम तुलाराम का जन्म दिवस नहीं है आज, आज ही के दिन बैटल ऑफ बॉर्डर पिलर पीपी बॉर्डर पिलर 638 लड़ा गया था 9 दिसंबर 1971 को, और वो लड़ाई 13 कुमाऊं रेजिमेंट की रेजांगला बटालियन के जवानों ने लड़ी थी, जिन जवानों ने रेजांगला का युद्ध लड़ा था उसी बटालियन के जवानों ने 9 दिसंबर 1971 को पीपी 638 को पाकिस्तान से छीन कर हिंदुस्तान में वापस शामिल किया था, और वो इसी इलाके के सूरमा थे जो उस लड़ाई में लड़े थे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनको मारते हुए 17 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर दुश्मन को मारते हुए हम लेकर गए थे। इतना बड़ा इतिहास लेकिन हमसे छुपाया गया, उसी जय हिंद।